बंधन जो है वो अभी रिसेंटली गुजरी है, कैसा इवेंट रहा, क्या हालात थे भारत के अंदर, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो उसकी। थैंक यू सो मच भाई। आपको भी रक्षाबंधन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, भाई बहन की मोहब्बत की खूबसूरती, एक अटूट रिश्ता, एक रिश्तों के बैरिकेड्स, एक मर्यादा, मान सम्मान, ये हिंदू धर्मों में बहुत ज्यादा देखा जाता है, बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ जैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीजा और साली के मजाक, गंदे घिनौने मजाक को देखते हैं, उसके बाद फिर हम और भी काफी चीजें, हम जो एक उर्वानियत देखते हैं, एक बदतमीजी देखते हैं अपने मुस्लिम कौम में, जिस तरह से हम अपने कजन ब्रदर्स को भाई बोलते हैं बचपन से, और उसके बाद फिर उससे निकाह हो जाता है, फिर उसी के साथ हम बिस्तरगी करनी पड़ती है। तो ये इन चीजों से बहुत दूर, बहुत खूबसूरत रिश्ता भाई बहन का हिंदू धर्मों में दिखाया गया है, बहुत खूबसूरत रिश्ता। यहाँ तक कि मैं तो 82% से ज्यादा हिंदुओं के भीड़ में रहती हूँ, पली बड़ी हूँ, उनके सराउंडिंग में मैंने, उनकी गैदरिंग में मैंने अपने आप को बढ़ते हुए देखा है, अपने आप को पढ़ते हुए देखा है, अपने आप को संवरते हुए देखा है। तो रक्षाबंधन एक स्ट्रॉन्ग बाउंड है बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, जिसमें कई हमने जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, और खास करके जब भगवान कृष्णा की हम के श्लोक पढ़ते हैं, उनकी उनके बारे में हम हिंदुओं के किताब में पढ़ते हैं, उनकी हॉली बुक में पढ़ते हैं, तो द्वारका जी के साथ जो उनके रिलेशन थे, जो अटूट रिश्ता था, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। साथ ही साथ जो गॉड ऑफ डेथ है, जैसे समुन्दर और बारिश के पानी को भी भाई बहन के रिश्ते से जोड़ा गया है, तो यमुना को सिस्टर कहा गया है और गॉड ऑफ डेथ को जो है वो भाई कहा गया है। तो हमने मैंने मैंने खास करके हिंदुओं की किताबों में और उनके जितनी भी पाठ हैं और जितनी भी रक्षाबंधन में, क्योंकि मैं सुबह से रक्षाबंधन की पूजा कर रही हूँ और मुझे राखी वगैरह भी बहुत बांधी गई है, तो इस धर्म को मैं बहुत नजदीक से जानती हूँ। और मैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और बहुत प्रो मुस्लिम फैमिली से आती हूँ, बहुत प्योर मुस्लिम फैमिली से आती हूँ, मेरी फैमिली में कभी भी किसी ने भी इंटर रिलीजन शादियां नहीं की हैं। मेरी माँ जो है वो 5 वक्त नमाजी है, मैं 5 वक्त नमाजी हूँ, मेरे मेरे घर पे मैंने तहज्जुद की नमाज अपने वालदैन की मैंने चूकते हुए कभी नहीं देखी है, रोजा चूकते हुए नहीं देखा है। मेरा 13 साल का बेटा है, जो पहला रोजा मैंने रखवाया था 7 साल की उम्र में रखवाया था, जो जो जायज है, जो फर्ज है। तो ये सारी चीजें फॉलो करते हुए, क्योंकि मैं इस्लाम धर्म को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम धर्म में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है भाई बहन के रिश्ते में। हिंदू धर्मों में क्या है कि अगर दूर से भी, बहुत दूर से भी अगर कोई बहन दिख जाती है, और अगर वो राखी बहन भी हो जाती है, तो फिर उसको वो मतलब गर्लफ्रेंड की नजर से या पार्टनर की नजर से या बीवी की नजर से वो कभी नहीं देख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, हम अपने इस्लाम में देखते हैं कि हम बचपन से जिसको चाचा जात भाई बोल रहे हैं, मामा जात भाई बोल रहे हैं, खाला जात भाई बोल रहे हैं, फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि हमारा निकाह हो जाता है या वो हमें पसंद कर लेता है, तो फिर वो अपनी बातों को रखता है। मतलब भाई बहन के रिश्ते में भी एक अट्रैक्शन जो है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन मुसलमानों में दिखाई दे जाता है, क्योंकि आप हम जिसको भाई बोल रहे हैं और वो मुझे बहन मान रहा है, तो फिर शादी करने की तो कोई वजह उठनी ही नहीं चाहिए और उठ भी नहीं सकती है, क्योंकि नजरिया चेंज हो जाता है, नजर चेंज हो जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई खाला मर जाए तो खालू के साथ निकाह जायज है, तो ये सारी चीजें भी मुझे बहुत गंदगी लगती है, बहुत गंद जैसा महसूस होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए, हमारे इस्लाम में भी तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं, तौरा जबूर, बाइबल, इंजील, कुरान, तब कुरान आया है, तो उसी तरीके से अगर जो जो भी कुप्रथाएं हैं अगर उसको मॉडिफाई किया जाए, और हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका उनकी उनकी कोशिश भी यही है कि इस्लाम को भी थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, तो बहुत अच्छा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा होगा, हमारी आने वाली लड़कियों के लिए अच्छा होगा, हमारा जो एक जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो एक जो हम इनसिक्योर फील करते हैं अपने घर के अंदर, वो सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि हमें इस्लाम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमें इस्लाम को मॉडिफाई करने की जरूरत है, और जितने भी इस्लाम में
कुप्रथाएं दी हुई हैं वो उसको उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। साथ साथ मैं ये कहूंगी कि हमारे लिए दुर्भाग्यजनक बात है, ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि आज भी हम जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ 1937 के शरिया लॉ को हमारे यहाँ के अवेसी साहब हैं या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो लेकर के चल रहा है। ऑन द अदर हैंड हालांकि पाकिस्तान की वजह से हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, बहुत सारी मुसीबतें हमारी जनता ने उठाई है। कश्मीर में यासिन मलिक जैसे लोग जो JKLF के सरबरा हुआ करते थे, जिनको लश्करे तैयबा फंड किया करते थे, लश्करे तैयबा के कहने पर वो हमारे हिंदू पंडित की बेटियों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए निकाहुत्ता के नाम पर कंधे पर उठा करके उनको सेक्सुअली मिसयूज किया करते थे, उनका मर्डर किया करते थे। तो ऐसे लोगों के यहाँ से आया हुआ 1937 का जिन्ना का शरिया लॉ हिंदुस्तान में चले, ये मेरे जैसी भारतीय महिला तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। एंड दिस इज द रीजन कि मैं बहुत वोकल होती हूँ और जितनी भी कुप्रथाएं हमारे इस्लाम में है उसको खत्म करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पेशली मतलब वुमेन्स वगैरह में जो है वो तकसीम किए हैं, गैस सिलेंडर जो है वो तकसीम किए गए हैं घरों के अंदर, किस तरीके से इस स्टेप को देखती हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है? देखिए मैं तो इसको थोड़ा सा सीरियल वाइज स्टेप वाइज बताऊंगी कि देखिए हिंदू धर्म इतना खूबसूरत है ना और इतनी मान मर्यादा है और हिंदू धर्मों में सनातन धर्मों में इतनी जिंदगी को जीने का इतना खूबसूरत अंदाज बताया गया है, सारी गंदगी वल्गैरिटी ठरकबाजी को एकदम से साइड करके, मतलब ऐसी कोई पार्ट है ही नहीं भाई कि तुम पॉलीगेमी के नाम पर चार शादियां कर लो, चार चार सेक्स टॉय ले आओ, तुम औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दो। तो इन सारी चीजों को साइड करके आप देखो कि आज पूरी दुनिया में इस्कॉन टेंपल पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में फॉरेनर्स जो हैं वो राधे श्याम के भक्त होते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा के भक्त होते हैं, क्योंकि वहां पर जिंदगी जीने का बहुत खूबसूरत तरीका बताया जाता है। साथ ही साथ मैं कहूंगी कि आप देखो ना इंडोनेशिया जो मुस्लिम कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है मुसलमानों की, वहां की करेंसी में गणेश भगवान पाए जाते हैं, वहां के एयरलाइंस जो है वो संस्कृत नाम पर है। उसके बाद आप देखो साउथ अफ्रीका में धीरे 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 इतने हिंदू पॉपुलेशन बढ़ते चले जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ से कोई हिंदू संत साधु जाकर के उनको समझा नहीं रहा है कि देखो हिंदू धर्म ये बोल रहा है या वो बोल रहा है, नहीं वो खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया के कई देश में रक्षाबंधन मनाया गया है, इंटरनेशनल हॉलीडे कर दिया गया है, इंटरनेशनल हॉलीडे। तो आज जो ये फॉरेनर बच्चे भाई बहन एक दूसरे को राखियां बांध रहे हैं, आप सोचो कितनी सभ्यता का सामना करना पड़ रहा है, कितनी सभ्यता और रिश्तों में कितने बैरिकेड्स आ रहे हैं। मुझे याद है आज भी कि जब ऐश्वर्या राय जब मिस वर्ल्ड हुई थी तो उनसे फॉरेन कंट्री में एक बहुत बड़े पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आपके यहाँ सब कोई बैठ करके एक साथ खाना खाता है, तो उन्होंने एक रिप्लाई दिया था कि हमें जरूरत नहीं है अपने माँ बाप से अपॉइंटमेंट फिक्स करने की। तो एक वेस्टर्न कल्चर जो होता था वो सभ्यता संस्कार और इमोशन से बहुत दूर होता था, और जिनको अगर कोई धर्म उनके उनके फ्रीडम के बाद अगर उनको कोई धर्म पसंद आ रहा है तो वो हिंदू और सनातन धर्म पसंद आ रहा है। और आज देखो आप ऋषि सोनक जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जय श्री राम बोल करके अपनी स्पीच को शुरू करते हैं, सऊदी अरबिया में जो शेख लोग हैं वो जय श्री राम इंडिया में आने के बाद बोलते हैं और बहुत दिल से बहुत सम्मान और मान्यता दे करके बोलते हैं जय श्री राम। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो संस्कार हिंदू धर्मों में है, जो संस्कार भगवत गीता ने बताए हैं, रिश्तों की मान मर्यादा और अहमियत जो भगवत गीता ने बताई है वो हमें अपने इस्लाम में दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह है कि आज दुबई में इस दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल बन रहा है 72 एकड़ में इस दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल बन रहा है। आज जय श्री राम बोलने के बाद हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है, आज राम को अपनी आइडियोलॉजी में रखने के बाद कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है कि भाई भाई होता है, बहन बहन होती है, माँ माँ होती है, और ये धरती माँ मेरी वो माँ की जतरा है, जिस तरह से मेरी माँ ने 9 महीना कोख में रख करके दर्द के साथ मुझे पैदा किया है उसी तरीके से ये धरती माँ है, तो हम अपनी माँ की तरह इस धरती माँ को इज्जत देते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने भगवत गीता से सीखी है, इस्कॉन टेम्पल से सीखी है, क्योंकि हमारे कुरान ने और हमारे शरिया ने हमारे हदीस ने तो हमें ये चीजें नहीं सिखाई। हालांकि कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हो उस देश की
बहुत ज्यादा इज्जत करो, उस देश से बहुत ज्यादा मोहब्बत करो, पर कहीं ना कहीं अल्लाह के मानने वाले कम हो चुके हैं और मुल्लाह के मानने वाले ज्यादा हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी खास वजह मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा कुरान जो है वो कभी 72 वर्जी नूरों के बारे में किसी भी आयत में, किसी भी सूरह में, किसी भी वर्सेस में नहीं बोलता है, लेकिन ये मुल्लाह जो है वो हमेशा 72 वर्जी नूरों का लालच देते हैं। और जिसका रीजन ये होता है कि लव जिहाद जैसी चीजें हमारे हिंदुस्तान में बहुत होती हैं, कन्वर्शन जैसी चीजें मुसलमान लड़के बहुत करवाते हैं, महिलाओं को गाली गलौज देना, महिलाओं को एड़ियों के नीचे दबाना, बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना, सेक्स ड्राइव बनाना, ये सारी चीजें अगर मुसलमान मर्द कर रहे हैं तो वो 72 नूरों के लालच में कर रहे हैं। कुरान सूरह अल बकरा में कहता है कि हम कलमा से निकाह पढ़ो, लेकिन हमारे मुसलमान जो मर्द है वो हिंदुओं से शादी करते हैं, उनको कन्वर्ट कराते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनको हिंदू बेटियां बहुत पसंद है, इसलिए कि वो अपने लिए 72 वर्जिन हूरों का सामान तैयार करते हैं जन्नत जाने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं मुल्ला ये सिखाते हैं कि अगर काफिर को इस्लाम में कबूलियत करवा ली तो आपको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेगी। तो हम भगवत गीता ये नहीं बताता है कि अपने अपने बदन में अजमल कसब की तरह बम लगा दो और हजारों लोगों की जानें ले लो तो आपको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी और आप अपनी ठरकबाजियां पूरी कर सकें। तो बहुत बहुत सभ्यता है, बहुत संस्कार है हिंदू धर्म और सनातन धर्म में। तो दिस इज द रीजन कि मैं आई कम्प्लीटली फॉलोड और मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होती हूँ भगवत। मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जिस तरह पहले ग्रीस के अंदर मौजूद थे, वहाँ पे उनको अवार्ड से नवाजा गया, और ब्रिक्स की अगर बात की जाए अफ्रीका के अंदर वो मौजूद थे, अभी इंडोनेशिया उनका जो है अपकमिंग विजिट है, जिस तरीके से हर कंट्री उनको इनवाइट कर रही है और कोई भी सबमिट वगैरह अगर हम देखें तो भारत की प्रेजेंस के बगैर जो है वो चीज़ नामुकम्मल सी लगती है और हो ही नहीं पाती। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानियों को उस तरीके से मतलब इनवाइट नहीं किया जाता, या पाकिस्तानी अगर जाते भी हैं तो डोमिनेंस अपनी शो नहीं कर पाते। अगर मैं बात करूं नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत से पहले की, तो भारत भी जब शिरकत करता था तो उस तरीके से अपनी डोमिनेंस जो है वो भारत की भी शो नहीं होती थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी का दौरे हुकूमत है और भारत ने जितनी तरक्की की है इस स्पेशली टेन्योर के अंदर, तो भारत अब अपना लोहा मनवा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी ही नजर आ रहे हैं? अपकमिंग 2050-60 तक सिर्फ नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। भारत की जनता जो है ना वो उनको खींच खींच कर लेकर आएगी, कहेगी कि आप मत जाओ कहीं भी, क्योंकि हम सवर गए हैं, हमारी जिंदगी सवर गई है, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हो गई हैं, अब अजमल कसब और हाफिज सईद का डर नहीं लगता है, अब यासीन मलिक का डर नहीं लगता है, अब लश्कर ए तैबा का डर नहीं लगता है, अब अजमल मुजाहिदीन का डर नहीं लगता है, अब निर्भया जैसा बलात्कार जैसा केस नहीं होता है, अब कामदनी जैसा केस नहीं होता है, अब मुसलमान लड़के चलती हुई गाड़ी में एक फॉरेनर का रेप नहीं कर पाते हैं नासिर खान और खादर खान की तरह, अब हम बहुत सेफ और सिक्योर फील करते हैं। जनता ये कहती है कि रक्षाबंधन पर जिस तरह से महिलाओं को इतना सम्मान दिया गया और योगी महाराज जी ने 2 दिन के लिए एसी बसेस और बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं को दी, 2 दिन का उनका तोहफा है रक्षाबंधन का, एक बहुत खूबसूरत तोहफा उन्होंने दिया है, तो महिलाएं चाहती हैं कि जो योजनाएं महिलाओं के लिए आई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं आई हैं, अग्निवीर जैसी योजनाएं आई हैं, मुद्रा योजना आया है, जनधन योजना आया है, उज्वला योजना आया है, नल से जल का योजना आया है, तो ऐसी योजनाओं से कौन परे हटना चाहता है, कौन दूर होना चाहता है, कौन अपने आप को फिर से निर्भया जैसे जगह पर सिनारियों पर देखना चाहता है, कौन दोबारा सुजर जॉर्डन बनना चाहता है कि चलती हुई कार पर 2 मुसलमान भाई बलात्कार करे और सरकार ये कह दे कि ये तो सजीवी घटना है, औरत ने पैसा ज्यादा मांगा होगा इसलिए बलात्कार का इल्जाम लगा रही है, मुसलमान लड़के ऐसे नहीं होते हैं। आज भारत के जेल में जाकर के बलात्कारियों के फहरिस्त को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 86.7% बलात्कारी है, जो जिन्होंने किसी ने बलात्कार किया है, किसी ने मोलेस्ट किया है, किसी ने फिसिंग किया है, किसी ने अपनी बीवी को डाउरी में छोड़ा है, जबकि कुरान कहता है जहेज लानत है, मलामत है, नदामत है, और दूसरी तरफ मुसलमान मर्द कूद कूद करके जहेज लेते हैं, अगर जहेज ना मिले तो तलाक देने से पहले 1 सेकंड भी नहीं पीछे वो हटते हैं। देखिए 9 साल में हमारा हिंदुस्तान जो है ना वो जमीन से आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि ये हिंदुस्तान अब सनातनी के हिसाब से के दिमाग से चल रहा है, किसी इटली के दिमाग से नहीं चल रहा है, किसी मौन व्रत की सरकार से नहीं चल रहा है,
आज अजमल कसब जैसे लोग आने से पहले ना 1 करोड़ बार सोचेंगे कि 56 इंच का सीना रखने वाला एक इंसान है भारत में जो दौड़ा दौड़ा के मारेगा, और योगी जैसा महाराज है जो छोड़ेगा नहीं भैया। तो मुझे लगता है कि आप तो आने वाले 2024 के बारे में मत ही बात कीजिए, आप ये पूछिए कि 50 साल तक क्या मोदी जी और योगी जी ही रहेंगे। तो मैं कहूंगी कि बस मोदी जी और योगी जी, इसके अलावा तो हमें कोई पसंद ही नहीं है और हमें कोई चाहिए ही नहीं। आज तो नकाब लगा लगा करके उत्तर प्रदेश की महिलाएं योगी जी के लिए बोल रही हैं कि अगर सीएम हो तो ऐसा हो, वरना सीएम ही ना हो, हम ही चला लेंगे इस राज्य को। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्लेसिंग मिला है हमारे देश को, एक फरिश्ते के रूप में हमारे देश में हमारे भारत के प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत सोचा है, जिन्होंने पीटी उषा जैसे ऑर्नामेंट को हिंदुस्तान की गोल्डन गर्ल को उन्होंने मान सम्मान दिया है, जिन्होंने इसरो में आप देखो मुसलमान लड़के और लड़कियां कितने वैज्ञानिक हैं, और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट में वो लोग थे। आप सोचो कि 25% से ज्यादा हमारे यहाँ महिलाएं वैज्ञानिक हैं, जो पहले किसी को नहीं पता था। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू अपने आप को ही सिविलाइजेशन का अवार्ड दे दिया करते थे, और अब जो है ट्राइबल वुमेन जो नंगे पैर आती हैं, जिनके पास जो चप्पल भी नहीं पहनती हैं ट्राइबल वुमेन, उनको सिविलाइजेशन का भारत रत्न का अवार्ड मिलता है। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री किस कदर अपनी जनता को अपना परिवार मानते हैं और किस कदर अपनी जनता से मोहब्बत करते हैं। जो हर बार एक इंसान है जो स्वच्छ भारत अभियान और उज्वला योजना और शौचालय योजना से लेकर के चंद्रयान 3 तक के प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, एक इंसान है जो किसान योजना और जल की योजनाओं से लेकर के वो ग्रीस और फ्रांस में भी जाकर के बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशंस बहुत मजबूत करते हैं और सिक्योरिटी और डिफेंस के रिलेशंस मजबूत करते हैं। तो ऐसा है अब हमारा हिंदुस्तान। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है मजीद कितना टाइम और रिक्वायर्ड है भारत को एक सुपर पावर बनने में? देखिए, खुद को एक्सप्लोर करना, खुद को परफेक्ट करना, खुद को बिल्कुल सशक्त करने की कोई क्षमता या कोई बैरिकेड या कोई लाइन नहीं होती है, कभी नहीं होती है। हम क्लास 1 से पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, फिर भी हमें लगता है कि कुछ तो कमी होगी, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, कुछ तो कमी होगी, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मैं बहुत रिनाउंड हूँ, मेरा फेस बहुत रिनाउंड है, लोग मुझे सोचते हैं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। डेफिनेटली मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बातों से समझ में आता है, मेरे काम से समझ में आता है, पर ऑन दी अदर हैंड मैं अभी भी स्टूडेंट भी हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ। तो हम जब किसी चीजों को अचीव करते हैं और वो हमारे समाज के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए करते हैं, तो उसके कोई लिमिटेशंस नहीं होते। तो हमारे मोदी जी जो जिन्होंने 20 दिन पहले छाती ठोक कर कहा कि अभी तो हम 5वें नंबर पर हैं इकोनॉमिक में, अभी हम 3रे नंबर पर जाएंगे, तो आने वाले वक्त में वो ये भी छाती ठोक कर कहेंगे कि हम पहले नंबर पर आएंगे इकोनॉमिक में? तो मुझे नहीं लगता है कि कितना समय लगेगा, ये मैं बताना चाहूंगी। और हम कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जो स्ट्रैटेजी है हिंदुस्तान को सर्वप्रथम रखने की, वो 9 साल में दिख चुका है। मुझे हर बार एक पूरे स्टेप वाइज सीढ़ियां बनाने की जरूरत नहीं है, वो पूरी पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आज भारत सर्वप्रथम सर्वप्रिय देखा जा रहा है। एंड मुझे लगता है, मैं श्योर हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की वजह से हुआ है। बहुत शुक्रिया मैडम, आज आपने